कहते हैं कि किसी भी गांव और शहर के विकास का अंदाज उस गांव और शहर के रास्तों की स्थिति से लगाया जा सकता है। इस संबंध में बात अगर दिग्रस शहर की जाए तो यहाँ के प्रमुख रास्तों की दुरावस्था प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नजरअंदाजी की कहानी बयां कर रही है। पेश है ये रिपोर्ट। हमारे देश में राजनीति के जरिए जनहित के कामों के लिए अपनी कथित प्रतिबद्धता का जोर शोर से प्रदर्शन करने वाले कथित नेताओं की वैसे तो कोई कमी नहीं। आजकल हर गांव और गली और मोहल्लों में ऐसे नेताओं की बाढ़ सी आई हुई है। उन्हें जनहित से ज्यादा स्वार्थ हित में रुचि होती है, जिसके चलते उस गांव और शहर की नागरी समस्याएं दिन ब दिन गहराती जाती है। दिग्रस शहर में भी रास्तों की दुर्दशा के चलते यही नजारा बना हुआ है। यहां पर आर्नी रोड पर स्थित पुराने पुल, आर्नी बायपास रोड, वाल्मीकि नगर, शिवाजी चौक, मानोरा चौक आदि सहित विभिन्न रास्तों का हाल खुद अपनी कहानी बयां कर रहा है। इस बाबत जहां जनप्रतिनिधियों के जुबान पे एक तरफ ताला जड़ा हुआ है और प्रशासन के कानों से जू तक नहीं रेंग रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर के जागरूक नागरिक खुद आके आकर प्रशासन के संबंधित विभागों से सड़क की इन समस्याओं से निजात दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। जवर-जवर 5-6 वर्षापासून या रोड का काम चालू है। गावातले जे गड्ढे पडलेले आहे प्रत्येक रोडला, प्रत्येक वेळेस दुसऱ्या दुसऱ्या दिवशी इथे ॲक्सिडेंट होतो। ॲक्सिडेंटवरून भांडणं त्यांच्याची सर्व गोष्ट तयार होतो। त्याच्यानंतर या शिवाजी चौकातली जे पाणी आहे, तिकडंच नगरपालिकेचं वॉटर सप्लायचं, ते पाणी पूर्ण रोडवर वाहतं। तिथं कोणाचं लक्ष नाही, ना नगरपालिकेचं आहे ना ब्यांडशीचं आहे। त्याच्यानंतर मशानभूमीपासून आपल्या हिंदू मशानभूमीपासून बायपासवरून तर मानोरा चौकापर्यंत, मानोरा चौकापासून तर बस स्टँडपर्यंत इतकी रोडची दुर्दशा आहे की तिथं चालणंसुद्धा मुश्किल आहे। लोकं बायपासचा इकडून गावातून जाण्याचा विचार करतात, परंतु ह्या रोडनं जात नाही। तरी मायबाप सरकारनं लवकरात लवकर या जे ठेकेदार असत त्यांच्याकडून लवकरात लवकर या दिग्रसवासियाची या वाहतूक कोंडीतून, या रस्त्याच्या संकटातून लवकर सुटका करावी अशी मी सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारा ग्रामीण रुग्णालय है वहाँ पर मरीजों का आना जाना चालू रहता है। और जो ये रोड है यहाँ आता है इतनी बड़ी हुई है कि जो कभी कहीं गलती से भी कोई एसटी या कोई बड़ा ट्रक आ जाता है तो स्कूल के बच्चों को, हमारे तरफ दिन भर हाई स्कूल है, बड़ी स्कूल है, स्कूल के बच्चों को जाने के लिए आने के लिए बहुत सी दिक्कत का, बहुत सी परेशानी उठानी पड़ती है। और कभी कभी तो बहुत जम से जब गाड़ी आती है तो बड़ी गाड़ी जब रुकती है वहाँ पर, वो ब्रेक के तौर पर कभी एक्सीडेंट होने का भी संभावना है। पीछे देखा जाए तो जो बाईपास है उसके सामने का भी पूरा रोड है, उसी में मरम्मत का काम बाकी है। मुझे बहुत सी समस्या को लेके यहाँ पर नागरिक त्रासदायक और त्रास सहन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आर्नी बाईपास रोड के काम का मामला न्याय प्रविष्ट होने से रुका पड़ा है। इस बायपास के अगले चरण के निर्माण का काम कब शुरू होगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है। इस बारे में यहाँ के प्लाट धारकों ने कई बार पालक मंत्री और महामार्ग विकास प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायतें रखी, लेकिन बीते 3 सालों से उन्हें इसका कोई समाधान मिलता नहीं दिख रहा। विडंबना ये भी है कि जिन प्लाट धारकों की जगह से बायपास का रास्ता गुजर रहा है उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिलने से अपना प्लाट होते हुए भी किराए के घरों में उन्हें गुजर बसर करना पड़ रहा है। हमारे प्लाट धारकों का कोई भी समाधान हुआ नहीं, कोई नोटिस आई नहीं और कोई मुआवजा हुआ नहीं। माननीय पालक मंत्री साहब ने जो हमारे जनता दरबार रखी थी तो जनता दरबार में यहाँ के 16-17 जो प्लाट धारक हैं हम सब जाके आए और उसी वक्त में बोंडे साहब ने आश्वासन दिए थे कि 1 या 2 महीने में यह तुम्हारा प्रॉब्लम जो है तो सॉल्व कर देंगे। आज 2 से 3 साल हो रहे लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो रहा नहीं। और रोड पर से जो हमारे घरों में धूल मिट्टी की वजह से कैंसर, बड़े बड़े बीमारियाँ, ये जो नागरिकों को, अम्बेडकर नगर निवासियों को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए भी वारंवार वो पूरे अम्बेडकर वासी जाके पालक मंत्री जी से और माननीय जिलाधिकारी साहब से निवेदन पर निवेदन दिए, लेकिन उसका कोई समाधान हुआ नहीं। आखिर हमारे प्लाट धारक पिछले 5 साल से भाड़े के घर में रह के, उनके खुद के प्लाट होने के बावजूद भी वो आज भाड़े के घरों में रह रहे और वो तड़प रहे कि भाई हमको हमारा मुआवजा मिल जाए या तो प्लाट मिल जाए। तो ना इलाज कुछ प्लाट धारक अभी 26 जनवरी को कुछ यहाँ पे प्लाट बांध करके अपने अपने प्लाटों में घर बांधने की तैयारी में है। आर्नी बाईपास से जुड़े समस्याओं के अलावा आर्नी रोड स्थित पुराने पुल पर पड़े गड्ढे और उस पर मवेशियों का डेरा हो या मरम्मत के लिए तरस रहे छत्रपति शिवाजी चौक का रास्ता हो या फिर मानोरा चौक पर कछुआ गति से जारी दारवा रोड का काम दिग्रस शहर के विकास में तरक्की की बजाय अवरोध का सबब बना हुआ है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों की सड़क की दुरावस्था पर जवाबदेही तय हो पाती है
या फिर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के मिले जुले अंदाज में जारी लेट लतीफ़ी, नज़रअंदाजी और लापरवाही का ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है।